और आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 5 दिन तक चलने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आज से नागपुर में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को सम्मान पहुँच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम है। और जाहिर है कि ये पहला जो 1974 में इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था वो विद्यापीठ के 50 साल पूरे होने पे हुआ था, और ऐसा ही सेकंड 50वें साल में हमको दोबारा मिला है मौका। ये पूरे देश के जो माने हुए या अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, अटेंड करते हैं। इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस बार 2 अनोखे उपक्रम विज्ञान कांग्रेस में आयोजित किए गए हैं, जिनमें एक है विज्ञान और समाज और दूसरा है जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। हमारी कॉलेज में ज़्यादा रिसर्च पेपर हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आने वाले हैं, उन्होंने जो रिसर्च की है वो सारी चीज़ हम सीख सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ को कैसे सीखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द साइंटिस्ट एंड विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर फ्यूचर एंड दिस इज अ लॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री से हो गए। उन साइंटिस्ट लोगों के साथ जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े बड़े मतलब उन्होंने स्टडी किए, रिसर्च किए, उन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और ये जो 5-6 दिन का जो सेशन होने वाला है ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक रहेगा और स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है।